पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी के समस्त श्रोताओं को सही बंदगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी YouTube के माध्यम से गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन का आप सभी लाभ उठा रहे हैं। और आप सभी, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपने मित्र, रिश्तेदार, साथी, संबंधी सबको आप लोग जो प्रेरणा देते हैं कि गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन सुने, उसके लिए मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं, जैसा कि आज का हमारा थंबनेल टॉपिक है कि गुरु दीक्षा लेने के लिए क्या करें, मेरे पास कई ऐसे फ़ोन आते हैं जिनकी ऐसी इच्छा रहती है, पूछते हैं कि गुरुदेव जी से हमें गुरु दीक्षा लेना है और गुरु बनाना है, तो हम गुरु जी से कहाँ मिले, कैसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं और क्या करना पड़ता है। तो मैं उसकी जानकारियाँ वैसे पूर्व में भी कभी कभार देता रहा हूँ, लेकिन आज मैं, और भी YouTube में नए नए बहुत सारे श्रोता आए हैं, मैं आप सबको वापस एक बार जानकारी देना चाहता हूँ जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। देखिए, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। कहते हैं कि राम और कृष्ण ने भी गुरु बनाया, राम और कृष्ण भी गुरु बना करके अपने जीवन को धन्य किए थे। सच्चा पथ प्रदर्शक जीवन में एक होना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में गुरु होता है तो वो गुरु आपको बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके सुख और दुख के समय में भी समता का अगर कोई आशीर्वाद और राह बताते हैं तो वो हमको सदगुरु ही बताते हैं। ऐसे महान सदगुरु से हमको दीक्षा लेनी चाहिए। तो आज मैं, जो भक्त लोग गुरुदेव जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो जिनसे हम दीक्षा ले करके, क्योंकि इसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंधे को बंधे मिला को कर सके छुड़ाए, और बंधे को निर्बंध मिला ले पल भर में छुड़ाए। तो अगर गुरु, सदगुरु ब्रह्मचारी के रूप में मिले तो ऐसे सदगुरु से दीक्षा ले करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, क्योंकि जो कहीं नहीं बंधा है, कहीं माया मोह में नहीं फंसा है, ऐसे सदगुरु हमको हमारे भव सागर से, इस दुनिया रूपी सागर में जहाँ पे काम, क्रोध, मोह, वासना इत्यादि बहुत प्रचंड मात्रा में है, उससे अगर हमको समता का कोई ज्ञान देते हैं तो ऐसे सदगुरु, निर्मल सदगुरु ही देते हैं। तो जो लोग अपने गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके बारे में जो मुझे लगातार आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं, तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि गुरु दीक्षा का नियम क्या है, गुरु दीक्षा लेने के लिए करना क्या है और आना कहाँ पर है। मैं आपको बता दूं, गुरुदेव जी, गुरु दीक्षा आपको जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होता है पूज्य गुरुदेव जी का, वहाँ वहाँ पे ही देते हैं। तो यदि आपको गुरु दीक्षा लेना है तो जैसे गुरुदेव जी का जो आश्रम है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश आश्रम में, वहाँ पे जब कार्यक्रम हो तो वहाँ आ सकते हैं, या जैसे गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव होता है कोटा राजस्थान में, वहाँ आकर के ले सकते हैं, या रायपुर छत्तीसगढ़ में जहाँ आश्रम है वहाँ पे कबीर जयंती का जो कार्यक्रम होता है उस दौरान ले सकते हैं, या तो फिर जब कभी आपके ग्राम में, नगर में, आपके जिला में, आपके प्रदेश में, आप कहीं के भी रहने वाले हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहीं के भी आप रहने वाले हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपको गुरुदेव जी का आगामी कार्यक्रम या तो रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल पे जो प्रोग्राम आता है गुरु जी का, वहाँ पे नीचे पट्टी स्क्रॉल चलता रहता है, उसमें आगामी कार्यक्रम रोज़ शाम को अपडेट होता है, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो फिर आज ही आप गुरुदेव जी के, आप यूट्यूब चला रहे हैं इसका मतलब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर में आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे संत श्री असंग देव जी ऑफिशियल सर्च कीजिए और वहाँ पे सर्च करके आप सभी गुरुदेव जी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम मिलता रहेगा। और नहीं तो फिर यूट्यूब चैनल जो गुरुदेव जी का है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दे रहिएगा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो अब यूट्यूब में भी हम हर दिन आगामी कार्यक्रम को पोस्ट करते हैं, उससे भी जानकारी मिलती रहेगी कि कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, या प्ले स्टोर से मिलती रहेगी या टीवी से मिलती रहेगी। तो इस तरह से जहाँ पे गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ आ करके आप सभी गुरुदेव जी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ये तो हो गया गुरु दीक्षा कहाँ पर देंगे, जो लोग
क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव गुरु दीक्षा कहाँ पे देंगे, तो गुरुदेव जहाँ जहाँ कथा हो रही है, जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रवचन हो रहा है, वहाँ वहाँ पे गुरु दीक्षा देंगे। आप वहाँ आइए, आप यहाँ आकर के गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो आपको मांस मछली अंडा नशा सर आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि अगर आप बुराइयां छोड़ चुके हैं तो आप गुरु दीक्षा लेने के लायक हो चुके हैं, और अगर नहीं छोड़े हैं तो गुरु दीक्षा लेकर के संकल्प लेकर के छोड़ना है। यही तो है गुरु दीक्षा, मतलब मनो इच्छा को, मतलब मन की बुराई को छोड़ देना ही गुरु दीक्षा कहलाता है। तो गुरु के पास आकर के संकल्प लेकर के गुरु दीक्षा लेकर के इन बुराइयों को छोड़ देना है, और बुराई से छोड़ करके गुरु दीक्षा लेकर एक नई जीवन की। गुरु दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस नहीं करना है, खेती नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, या आपको अपने कार्यों में आगे नहीं बढ़ना है। गुरु दीक्षा लेकर के आपको बहुत अच्छा व्यापार करना है, बहुत अच्छी खेती करना है, बहुत अच्छी जॉब करना है, बहुत अच्छी आपकी जो कार्य है उन कार्यों को करना है। लेकिन उसमें अगर बुराई से मुक्त हो तो वो बहुत अच्छा है। बुराइयों से मुक्त होकर के ईमानदारी की राह पे चल करके बढ़िया आप अपने जीवन को सदगति की ओर ले चलते हुए गुरु दीक्षा लेना है, ये आपको करना पड़ेगा। अब इसमें एक अगला सवाल आता है कि गुरु दीक्षा में गुरु जी को क्या देना चाहिए या क्या लाना पड़ेगा, ऐसा हमारे पास फोन आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा के लिए तो सबसे बुराई जो छोड़ना है वो पहला आपने कर ही दिया। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने गुरु को वस्त्र दान करूँ, कहते हैं कि गुरु दीक्षा के समय वस्त्र दान करें तो अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अगर संभव नहीं है, सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं। अगर वस्त्र लेना चाहे तो अब वस्त्र में भी कितना, गुरुदेव जी हमेशा एक ही तरह का वस्त्र पहनते हैं, वह है श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र। इसको जैसे कैमरिक भी बोलते हैं, या सेंचुरी भी बोलते हैं, या बिरला वाइट का भी बोलते हैं, इस तरह के अच्छे सफ़ेद वस्त्र जो 100% कॉटन आता है, वो शुद्ध सूती का वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र हमेशा एक ही तरह का सादगी का वस्त्र पहनते हैं। तो आप गुरु दीक्षा लेते समय चाहे तो वस्त्रदान कर सकते हैं, जो कि बड़ा दान भी माना जाता है। लेकिन अगर वस्त्रदान की सुविधा नहीं है तो आप कुछ दक्षिणा के रूप में अगर वैसा भेंट करना चाहे तो वो भी आप भेंट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई फिक्स रुपया लगता है गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए कोई फिक्स पैसा नहीं लगता है, कोई उसका ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु दीक्षा लेने के समय कहते हैं कि कुछ दान जरूर करनी चाहिए, तो वो आप अपनी इच्छा, व्यवस्था, श्रद्धा और आस्था के अनुरूप 1100, 2100, 5100 जैसी आपकी व्यवस्था है, जैसी आपकी इच्छा श्रद्धा, गुरु सेवा में आपकी जो लगन है, व्यवस्था है, अपनी जो उदारता के भाव से आपकी जो क्षमता है, उसके आधार पे आप गुरु दीक्षा में भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ फल इत्यादि भी, फलदान के रूप में फल इत्यादि भी आप ला सकते हैं, और चाहें या आपकी इच्छा कुछ और भेंट करने की, अपनी गुरु स्मृति के लिए, अपने गुरु याद के लिए कुछ और आपको ऐसा दान करने की इच्छा है तो उसको भी आप दान कर सकते हैं। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए बस यही कुछ खास नियम है जो मैंने आपको बताया है। तो यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो जहाँ गुरुदेव जी के कार्यक्रम है वहाँ पे आप आ सकते हैं। इस तरह से ये आपको हमने गुरु दीक्षा की सारी संपूर्ण जानकारी दी है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हमने कोई गुरु बना लिया है तो दोबारा अगर गुरु बनाए तो उसमें बनाते हैं कि या नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया था। तो हमारे यहाँ की जो गुरु दीक्षा परंपरा है, यदि आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं फिर भी आपकी ऐसी इच्छा है कि आप गुरु के, हमारे गुरुदेव जी के आशीर्वाद को लें और उनके मार्गदर्शन में चलें, तो भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार से बाध्यता नहीं है कि आप लें या ना लें, या पाबंदी है आप ले चुके हैं तो नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने भ्रांतियां खड़ी करके रखी हुई हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद में कहीं हम किसी के यहाँ नहीं जा सकते हैं क्या। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अपने माता पिता का आदर सम्मान करना है, और जैसे आप अपने जीवन यापन को जी रहे हैं वैसे ही आप पूरी तरह से अपने जीवन यापन को करते रहना है। इसी के साथ में बस इतना सा जरूर ख्याल रखना है कि गुरु के जो नियम है बताए हुए, कि सवेरे शाम, जो उसमें गुरु नियम में आता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद थोड़ी सी सवेरे शाम
गुरु पूजा करनी है, गुरु पाठ करना है, ध्यान करना है और थोड़ी जो प्रार्थना वंदना है वो करना है। ये जरूर गुरु भक्ति का ये नियम है, क्योंकि अब आज से हम भक्ति में के मार्ग पे चल रहे हैं तो बुराई से मुक्त होकर अच्छाइयों की तरफ जब हम चल रहे हैं तो अच्छाई की तरफ जब हमको चलना है तो अपना दिन की शुरुआत अच्छाई से होनी है और रात्रि में जब सोएं तो प्रभु का ध्यान लगा करके सोएं, ताकि हम हमारे मन में भी स्वप्न में भी हम किसी की बुराई और किसी की अहित न सोचे और सवेरे उठ करके शाम तक की हम प्रार्थना करते हुए चलें कि आज सवेरे से लेकर शाम तक हमसे किसी भी प्रकार से कोई अपराध ना हो और सवेरे से शाम तक हम अपने जीवन को निर्मलता और निश्चित रूप से एक बढ़िया पवित्र जीवन के साथ में जिए। इसी के साथ में गुरु पूजा करके अपना प्रार्थना स्थल पे जहाँ पे भी आप प्रार्थना करते हो, जिस जगह पे अपने रूम पे, मंदिर पे, घर पे, द्वार पे, जहाँ पे भी आपका पूजा स्थान हो वहाँ पे कुछ देर गुरु पूजा करके गुरु का ध्यान लगा करके अध्यात्म मार्ग में आपको प्रवेश करते हुए भक्तिमय के जीवन को शुरुआत करते हुए अपने दिन की शुरुआत आपको करनी है। यही है गुरु दीक्षा का प्रमुख नियम और गुरु दीक्षा के लिए लेना क्या है, करना क्या है, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। आप अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरुदेव जी के पास आप जा करके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब।